ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे थे 13 चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज हमने 13.5 तक कंप्लीट कर ली थी, आज हम 13.6 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सर्कमफ्रेंस, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस बताया है सिलेंडर का, ठीक है, एंड द हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है, मैं अभी लिखती हूँ, बाद में लिखूंगी, पहले हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो ये जो सर्कुलर वेसल है उसकी पूरी सर्कमफ्रेंस दे दिया और उसकी हाइट दे दी, तो आपको ये बताना है कि उस टैंक में कितना पानी आ सकता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एनी वन स्टूडेंट्स नोज द सर्कमफ्रेंस? जोर से बोल बेटा, एरिया। एरिया जो सारा उसका एरिया, उसके बाहर का पूरा वो जो एरिया आता है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। ये सर्कुलर आपका सिलेंडर है, ओके बच्चे, और यहां से सेंटर से लेके यहां तक का इसका क्या बताया गया है, ये रेडियस हो जाएगा इसका, यहां से, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा, और इसकी स्लांट हाइट, ये हाइट होगी। हाइट कितनी बताई है इसमें बुक में, बताइए बेटा जोर से बोलना हाइट कितनी है, एक जना बोलेगा हाइट बताओ। 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने लेट द रेडियस ऑफ द बेस इज आर, लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर लिखे इसका, लेट द रेडियस ऑफ बेस, ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू आर। रेडियस क्या है इसका, आर दे रखा है। बेस ऑफ सिलेंडर इज सर्कुलर, सर्कुलर सिलेंडर का बेस जो है, देयरफॉर बेस, ये बेस है, नीचे वाला जो है बेस कहलाता है, बेस ऑफ, बेस ऑफ सिलेंडर इज सर्कुलर, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर हो गया बेस इसका, गोल है ना इसका बेस, तो सर्कुलर बेस है, ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एच, जो कि क्या दे रखा है हमें इसका 132, और हम इसकी वैल्यूज पुट अप करें इसमें, दो है ये हमारे, दो है सर्कुलर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर इज इक्वल टू 132, ओके, और आर आ जाएगा 132 × 1/2 7/22 = 21 cm, और हाइट ऑफ वेसल, अभी तो हमने सिर्फ इस सर्कुलर का लिया था इसलिए हमने हाइट नहीं डाली है, अब हाइट ऑफ सर्कुलर, हाइट ऑफ वेसल, सॉरी, अब तो वेसल पूरा वेसल का ही हाइट लेंगे, हाइट ऑफ वेसल एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, इसके बाद बेटा यहां पर वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वेसल का वॉल्यूम क्या होगा, ये पूरा सिलेंडर है ना, गोल है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको, ये
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो इसमें पुट अप कीजिए वैल्यू, यहाँ पे आगे मिक्स आगे यहाँ का नहीं लेता देखिए, ठीक है यहाँ कर रही हूँ मैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 22/7 into 21 into 25 कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, आपका क्या आएगा सॉल्व करके बताइए जल्दी से। हरी अप बेटा, हरी अप, मैं चाहती हूँ आपका आंसर निकाल के दिखाएं मुझे, हरी अप, हरी अप बेटा, इसको कीजिए जरा सॉल्व, मैं तो बता ही दूंगी आप भी करके दिखाइए, पर मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सीधा काट दीजिए नीचे से 7 को, 7 3 21 एक बार तो 7 कट जाएगा नीचे से, फिर 35 तो कर देंगे आपस में, हरी अप, हरिया वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, सारे ही कर लोगे, मल्टीप्लाई तो करना है इसको, ठीक है। सभी का हो गया, करिए सर, मैं 25 सेकंड
ओके बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सर्कुलर वुडन पीस है, वुडन पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है, सर्कुलर है लेकिन वो, ठीक है, जिस वुडन पीस जिसका 24 सेंटीमीटर क्या है उसका डायमीटर, वुडन पीस का एंड द आउटर डायमीटर, उसका बाहर का डायमीटर बताया गया। अब ये अंदर का डायमीटर था 24 सेंटीमीटर और बाहर का डायमीटर कितना है इसका 28 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पीस, जो लेंथ है उसकी लंबाई वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पीस, पीस का मास निकालना है। सो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक सेंटीमीटर जो वुडन मास का है, मास बता रहा था 0.6 का। ओके, डायग्राम इसका क्या बनेगा, वुडन पीस है, ठीक है, ये वुडन पीस है, सर्कुलर, इसके अंदर भी है, ये अंदर है तो इसके एक भाग है, ये भाग, भाग, ठीक है, दो है, लकड़ी के बाहर का हिस्सा और लकड़ी के अंदर का, ठीक है। तो इसके अंदर वाला जो है इसका डायमीटर कितना दे रखा, अंदर वाले का पूरा कितना है 24 सेंटीमीटर डायमीटर, और बाहर वाले का, बाहर वाले का डायमीटर है कितना 28 सेंटीमीटर। तो बेटा जब ये 24 है तो रेडियस क्या कितना हो गया इसका, हाफ हो जाता है 12, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा हाफ में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस निकाल लोगे दोनों के हाफ करके, और जो इसकी लंबाई दे रखी है आपको बुक में वो कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स द इनर डायमीटर ऑफ वुडन पीस कितना है, डायमीटर इनर का 24 और उसका रेडियस कितना हो जाएगा इनर का, क्वेश्चन सेकंड, रेडियस ऑफ इनर पीस, इनर पाइप, पाइप जो कह रहे थे हम, ये पाइप ही तो एक तरीके का, इनर पाइप का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 24 by 2, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और आउटर का रेडियस ऑफ आउटर पाइप कितना हो जाएगा 28 by 2, तो 40 सेंटीमीटर, राइट इट बेटा। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पीस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएगा पाई, पाई आर स्क्वायर माइनस एच, माइनस बड़ा है आउटर वाला तो इसका आर कैपिटल लेते हैं, इसका आर हम स्मॉल लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, अब ये चेक कर देते हैं। हां जी, हां जी बच्चे, बच्चे करिए करिए, अब इसको हर अब ये वैल्यूज पुट अप कीजिए इसमें और निकालिए, मैम एक ही में कर दूंगा, हम इसमें फिर कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो इसमें से, ठीक
इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो हमें आ रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन एक और भी आ रहा है, एच भी कॉमन तो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे फटाफट। हाँ बेटा लेंथ 35 है, लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। तो वैल्यू इस पुट कीजिए, इसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा था, आर ये वाला 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर, और एच कितना दे रखा है 35। अब इसको हरिया बेटा फटाफट इसमें वैल्यूज मैंने भी डाल के ले लिया, अब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा, करते जाएंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे इसको, आगे हम यहाँ करते हैं, देखिए इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
फोर्थ भी बिल्कुल सेम ही जाना है, आपने करना है फोर्थ, फिर हम फिफ्थ करके दिखाएंगे, बस फिफ्थ और सिक्स्थ भी सेम जाएगा। सेवेंथ इस एक्सरसाइज को करके देखना, फिर जो है सेम यही फॉर्मूले से एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना, नहीं हुएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है? हो गया बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। राउंड में तो नहीं होते ये, तो यही ये जूस है, जूस की जो ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो किस में है? राउंड पैक नहीं है, पैक के अंदर है। तो ये कैसे है? स्क्वायर पैक में होते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है, इसी शेप में होते हैं। ये रेक्टेंगुलर बेस है इसका, इसका बेस क्या है जो यहाँ पर बुक में पूछा गया, बोला गया तुम्हें, रेक्टेंगुलर बेस। तो ये बेस इसका कैसा है? ये ऐसा क्लियर। और हाइट कितनी है इसकी दे रखी है यहाँ पे, बेस ऑफ टिन, बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, और बेस की ये जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ कितनी है यहां से यहां तक की, 4 सेंटीमीटर, हैविंग हाइट 15 सेंटीमीटर, और जो ये हाइट है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, तो आपने सेकेंड में बोला गया ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, और फिर एक ये, तो एक तो सर्कुलर, एक तो रेक्टेंगुलर है, दूसरा जो आपको दे रखा है वो कैसा है, सर्कुलर दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में है ये तो, ठीक है, इसी का ही ये सेकेंड पार्ट है जो सर्कुलर दे रखा है आपको, और इसका ये कहा गया है सर्कुलर में कि जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है इसमें, 10 सेंटीमीटर की। तो विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच, अब दोनों में जूस ज्यादा गया है तो आपसे ये पूछा है कि किसमें ज्यादा आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो हम कैसे नहीं बता सकते इसमें आएगा इसमें आएगा, आपको दोनों का एरिया निकाल लेना, जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका क्या होगा, ज्यादा बेस आएगा उसमें, ठीक है, कम वाली जगह में तो कमी आएगा, ज्यादा वाली जगह में ज्यादा चीज आती है, तो जिसका ज्यादा एरिया आएगा उसका। सो इन फर्स्ट केस, देखिए, इन फर्स्ट केस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, लेंथ लिखे इसकी, रेक्टेंगुलर बेस की क्या है,
ओके बेटा, लेंथ ऑफ, अब किसकी लिखनी है हमने लेंथ, लेंथ लिखनी है हमने रेक्टेंगुलर बेस की। रेक्टेंगुलर बेस इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। इसका एरिया कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी एरिया हो गया, कैपेसिटी तो एरिया होगा। सो राइट कैपेसिटी ऑफ पेन कैन। ओके शिवम कम हियर, कम हियर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस कंटेनर। एरिया निकाल के दिखाइए मुझे, इधर आओ बेटा, आप सबको दिखने भी चाहिए ना, आप कर रहे हो तो दिखने भी चाहिए। चलो कर, यहाँ निकाल लो साइड में। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, एक बार गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? जोर यहाँ, जो यहाँ बोलो सामने, जोर से बोलो। हाँ जी वेरी गुड, कम हियर। दो बार
बाई टू इंटू सेवन बाई टू सेवन बाई टू फिर से लिखिए बेटा स्क्वायर है ना सेवन बाई टू का स्क्वायर सेवन बाई टू इंटू एच हाइट हमने कितनी ली थी टेन टेन ठीक है अब इसको जो कटता है काट दीजिए सेवन से सेवन कट जाएगा टू से ट्वेंटी टू भी कट जाएगा इलेवन आ जाएगा और एट टू से टेन कट जाएगा टू फाइव से टेन तो इलेवन इंटू यहाँ पे फाइव लिखिए बेटा अब यहाँ लिखिए इलेवन इंटू सेवन इंटू फाइव सेवन इंटू फाइव और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा 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 वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब 385 सेंटीमीटर ओके बेटा वेरी गुड तो यहां पर आया 385 सेंटीमीटर क्यूब 300 तो ज्यादा आ जाएगा कितना ज्यादा नेक्स्ट इसका सिलेंडर सिलेंडर कंटेन्स कंटेनर कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी capacity by 385 minus 300 that is 85 centimeter cube that is 85 centimeter cube okay करने हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है इफ द लेटरल स्लांट इफ द स्लांट हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 9.94.2 स्लांट हाइट हाइट बता दी इसमें सिलेंडर बोला है सिलेंडर की हाइट बता दी कितनी है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्लांट हाइट है और जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है ठीक है Then find the radius of the base. Second, volume of the cylinder. और पाई की वैल्यू अब हमने क्या लेनी है 3.14 लेनी है So, slant height का फॉर्मूला हमने क्या लगाना 2 pi r h. So, write down slant height का फॉर्मूला 2 pi r h. फॉर्मूला ऑफ slant height 2 pi r h. और ये डालकर आप वैल्यू निकालिए निकल जाएंगे और r जो है आर उसी से ही आपका आर भी आ जाएगा फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर एच लगा के ठीक है हर ये हो गया ये सभी का लिखिए इसे नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में हर ये इसी तरीके से बेटा सारे फॉर्मूलोज में यही वैल्यू चलती हैं फॉर्मूलेज चलते हैं सारे और इस फॉर्मूले से आप
आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक में इसे क्लियर कीजिएगा, जिसका नहीं आएगा मैं कराऊंगी। ओके।